नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलं सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रथानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर ये ग्रंथ है गुरुदेव श्री के प्रवचनों में से चुने हुए वचन। इसमें सबसे पहले जो पेज नंबर 2 है उसमें अलग अलग 2 आचार्यों के, एक गुरुदेव श्री का और एक आचार्य का उद्धरण दिया हुआ है ना। तो अपन पहले वो भी देख लेते हैं आचार्य। हाँ आचार्य कुंद कुंद हाँ ये अकलंग देव। तो अपन सबसे पहले इसमें वो आचार्य अकलंक देव का जो वचन है वो अपन देखते हैं। पेज नंबर 2 पे है वो, जहां ये प्रकाश की मतलब ये प्रतियां वगैरह लिखी है ना उस पर है। आचार्य अकलंक देव ये बात कह रहे हैं कि द्रव्य दृष्टि का उपदेश प्रथम क्यों। एक सारे जगत को ये शंका रहती है हाँ कि भाई द्रव्य दृष्टि का उपदेश पहले क्यों दिया जाए। नहीं दृष्टि का निदान नहीं है, द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर। तो अकलंक देव आचार्य भगवान कह रहे हैं जैसे जेल में पड़ा हुआ व्यक्ति बंद के कारणों को सुनकर डर जाता है और हताश हो जाता है, पर यदि मुक्ति का उपाय बताया जाता है तो उसे आश्वासन मिलता है। मैंने कोई आदमी जेल में बंद है, अब जो पहले से ही बेचारा एक तो जेल में बंद है, बंधन में पड़ा हुआ है, और उसको फिर आप बंद के कारण की चर्चा और कर रहे हो, तो पहले से ही तो वो कहते हैं ना कि पहले से ही तो मरा हुआ है और उसको और डंडे मार रहे हो, तो बंद में तो पहले से पड़ा हुआ है वो, और आप उसको बात किसकी बता रहे हो फिर, और कि बंद की ही बात बता रहे हो, तो वो तो और हताश हो जाएगा। यदि उसे मुक्ति का उपाय बताया जाए कि देख तू जेल से छूट सकता है, तूने जिस अपराध भाव से जेल प्राप्त किया है यदि तू भविष्य में उस अपराध भाव को नहीं करे और अभी जेल में रहते हुए भी यदि तेरा चाल चलन अच्छा रहे तो जितनी तेरी सजा है वो भी कम हो सकती है, तो उसको छूटने का उपाय बताओ तो उसको थोड़ा उस आश्वासन मिलता है, थोड़ा उसको उत्साह आता है ना, ये है बट तो उसको आश्वासन मिलता है और वह आशान्वित हो बंधन मुक्ति का प्रयास करता है कि भाई मुझे अभी बंधन बहुत हो गया, अभी बंधन में अब डलना नहीं है ज्यादा। उसी प्रकार उसी तरह अनादि कर्म बंधन बद्ध प्राणी प्रथम ही बंध के कारणों को सुनकर डर न जाए। अनादि काल से जीव बंधा है बंधनों में, अब वो बंधनों में बंधा है तो बंध के कारणों को सुनकर के वो डर न जाए और मोक्ष के कारणों को सुनकर आश्वासन को प्राप्त हो, इस उद्देश्य से मोक्ष मार्ग का निर्देश सर्वप्रथम किया है। ये आचार्य अकलंक देव का तत्वार्थ राजवार्तिक एक ग्रंथ है, उनका तत्वार्थ सूत्र की टीका लिखी है उन्होंने, तो उसमें उन्होंने ये बात उठाई है। पहला सूत्र है ना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो उस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग में ये चर्चा उन्होंने उठाई है। तुम्हें क्यों बंद की चर्चा क्यों नहीं करते हो, पहले मोक्ष की चर्चा क्यों करते हो, बंदा तो है ही ना, उसको बंद की चर्चा सुना करके क्या करना है तुमको, अब तो उसको बंधन से कैसे छूटे कि वो बात बताओ जिससे उसको आश्वासन मिले, नहीं तो बंधा हुआ तो पहले से ही है
और फिर उसको बांधने की बातें और करोगे। देख बंध का ये कारण है, बंध का ये कारण है, बंध का ये इतनी प्रकृतियां हैं, इतनी प्रकृतियों से जीव बंधेगा कि वो तो बेचारा पहले ही मरा हुआ है, बंधन में बंधा हुआ है, और फिर उसको वही बात बताओ तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए उसको पहले मुक्ति का मार्ग बताओ कि भाई बंधन तो है, तेने गलती की, तो उस गलती की वजह से तेरे को बंधन हो गया, लेकिन बंधन में बंधे रहना ये तेरा स्वभाव नहीं है। बंधन से गुरुदेव श्री एक बात बोलते थे कि बंधन एक योग्यता है और मुक्ति जीव का स्वभाव है। बंधन तो योग्यता है, बंध गया, गलती की बंध गया, लेकिन वास्तव में स्वभाव कैसा है कि स्वभाव मुक्ति है। क्यों स्वभाव मुक्ति है कि एक बार मुक्त दशा प्रकट होने के बाद जीव कभी बंधन में नहीं आता, मतलब मुक्ति का कभी अभाव नहीं होता। एक बार मुक्त दशा प्रकट हो जाए तो फिर कभी वो मुक्ति दशा का अभाव नहीं करेगा। लेकिन बंधन कितना ही भयंकर क्यों नहीं हो, यदि जीव सही दिशा में पुरुषार्थ करे तो बंधन का अभाव हो जाता है। और गजब बात यह कि एक बार बंधन का अभाव होने के बाद फिर अनंत काल के लिए जीव बंधन में नहीं बंधता। ये इसलिए जो अनंत काल के लिए बंधन में नहीं बंधेगा, इससे नक्की होता है कि बंधन एक योग्यता है लेकिन स्वभाव नहीं है, स्वभाव तो मुक्ति है। इसलिए आचार्य भगवान ने भी यहां पे कहा कि पहले मुक्ति का उसको उपदेश देना, मोक्ष मार्ग का उपदेश देना, जिससे उसे आश्वासन मिले। अब जैसे होता है लोक में भी होता है, कोई आदमी पहले बीमार है, अब हॉस्पिटल में है वो, अब उसको फिर कहे अरे भैया वो आदमी एक बीमार था और वो आदमी के तो अब दो पांच के ऐसे और किस्से उसको बतावे तो उसकी हालत क्या होगी अनुज भाई, क्या हालत होगी रहेगे भैया, तो उसको क्या बोलेंगे, अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो, अभी कल एक आदमी आया था आपसे भी ज्यादा बीमार था और देखो 24 घंटे के अंदर चंगा होकर के घर चला गया, उसको वो किस्सा सुनाओगे तो उसको थोड़ा आश्वासन आएगा। डॉक्टर भी कहता है अरे कोई बीमारी नहीं है तुमको, कोई बीमारी नहीं है तो दवा काय को दे रहे हो फिर, कोई बीमारी नहीं है तो, लेकिन फिर भी एक आश्वासन, डॉक्टर भी एक आश्वासन देता है कि ये कोई बीमारी नहीं है, ऐसी ऐसी बीमारियां तो हम चुटकी में सही करते हैं, तो उसको आश्वासन मिलता है। यही मोक्ष मार्ग में भी यही क्रम है कि पहले मुक्ति मार्ग का उपदेश दिया जाए। ये अपन ने आचार्य अमृतचंद्र देव का पढ़ा। अभी उसके बाद जीव के बारे में गुरुदेव श्री का जो वाक्य है बहुत बढ़िया वाक्य है कि प्रत्येक जीव, दरेक जीवो भगवान स्वरूप छे, यानी भगवान से नीचे की तो बात ही नहीं है। क्या इस विकार को, इस मलिनता को, इस अशुद्धता को क्या याद करना, क्योंकि भगवान स्वरूप को भूले हैं अपन लोग, इसीलिए तो विकार हुआ। विकार क्यों हुआ, तो भगवान स्वरूप को भूले, तो स्वभाव तो भगवान स्वरूप है ना। विकार के काल में भी निगोद में इतनी भयंकर विपरीतता चल रही है पर्याय में कि ज्ञान नहीं है, ज्ञान अक्षर के अनंत में भाग है, कषाई इतनी घनघोर है, लेकिन उस समय भी जीव का भगवान स्वरूप कहां चला गया कि भगवान स्वरूप तो जैसा है वैसा ही, उसमें कुछ बिगाड़ हुआ ही नहीं। तो उस जिसमें बिगाड़ नहीं हुआ उसको याद करो ना, जो बिगड़ी हुई दशा है तो बिगड़ी हुई दशा को याद करने से बिगड़ी हुई दशा थोड़ी सुधरेगी। हम तो बहुत विकार है, बहुत राग है, बहुत कषाय है, बहुत मिथ्यात्व है, बहुत ऐसा है, बहुत, उसको याद करने से वो नहीं मिटेगा। और स्वभाव को उस समय स्मरण किया कि इतनी घनघोर दशा होने पर भी, विकार इतना भयंकर होने पर भी वो स्वभाव कैसा होगा कि जिस स्वभाव में इतना विकार होने पर भी पर्याय में इतना विकार हुआ तो भी स्वभाव का कुछ बिगाड़ हुआ नहीं, निगोस नित्य निगोस से कोई जीव निकला। अब नित्य निगोद का मतलब होता है कि अनादि काल से जो जीव निगोद में था आज तक निगोद से नहीं निकला। अपने पुराण साक्षी हैं इस बात के कि भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र नित्य निगोद से सारे के सारे एक साथ निकले। और एक गिजाई होती, दो तीन इंद्री कोई जीव होता है, तो गिजाई का भाव उन्होंने धारण किया और वे गिजाई के भर में भाव में एक साथ सारे मर गए, और मरने के बाद सारे के सारे भरत चक्रवर्ती के पुत्र हुए, 923 पुत्र। लेकिन पुत्र कैसे हुए कि बोलते नहीं थे। तो चक्रवर्ती ने प्रश्न किया भगवान की सभा में कि भगवान चक्रवर्ती जैसा पुण्यशाली ये विकलांग संतान कैसे पैदा हुई, ये बोलते क्यों नहीं है।
तो भगवान की वाणी में आया कि ये अभी बोलेंगे, और बोले क्या बोले कि भगवान हमें जनेश्वरी दीक्षा दीजिए, और जनेश्वरी दीक्षा ली और वापस मौन हो गए। मैं जीवन में पूरी बार काली एक लाइन आई उनके वाणी में, और उसी भव से उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। अभी अगर नित्य निगोद में अनादि काल से थे और अगर स्वभाव का कुछ बिगड़ गया होता तो अपन कहें भाई थोड़ी इसकी रिपेयर तो करो, स्वभाव की इतना बिगड़ गया है, नित्य निगोद में अनादि काल से है, रिपेयर तो करो, कुछ टाइम तो लो इसके लिए। कोई टाइम नहीं, नित्य निगोद से निकले, गिजाई का भाव धारण किया, भरत चक्रवर्ती के पुत्र होकर के मोक्ष में चले गए। इसका मतलब क्या कि निगोद की दशा में भी तेरा भगवान स्वरूप ऐसा का ऐसा है। ऐसे भगवान स्वरूप को गुरुदेव याद अपने को कराते हैं, वो गुरुदेव वो बात अपने को कहते हैं। इसमें गुरुदेव बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि इस सत्य असत्य ने प्रकाशवा मुक्ता, मन इस सत्य को प्रकाशित करते हुए असत्य ना आग्रह वाला ने दुख थाए। कि जिनको असत्य का आग्रह है, सत्य जब हम सामने रखेंगे तो असत्य का जिनको आग्रह है उनको तकलीफ होगी। पण भाई शू करिए, करें क्या, हमारो उदय एवो छे एती सत्य बात बाहर मुख भी पड़े छे। तो उदय ऐसा है हमारा कि हम सत्य की प्रभावना के लिए ही यहां आए हैं। उदय ऐसा है का मतलब क्या हुआ, एक तरह से क्या घोषणा की उनने, विदेह क्षेत्र की यात्रा छोड़ के और भरत क्षेत्र में आए। आज दोपहर में चर्चा चली थी, आराधना की होती अगर वहां पर, आराधना हो गई होती, शुरू भी हो गई होती, तो भरत क्षेत्र में जन्म नहीं होता। तो वहां से संस्कार लेकर के आए और यहां पर आराधना की, और भविष्य में चूंकि तीर्थंकर होने वाले हैं तो तीर्थंकर होने वाले जीव का क्या स्वरूप होता है, कि उसका उदय ऐसा होता है कि वो तीन लोक का नाथ, माने वो विश्व के अंदर धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने वाला जीव होता है। धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करेंगे ना, तीर्थंकर होंगे तो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करेंगे। तो पूर्व भवों में ही, क्योंकि तीर्थंकर होने वाला जीव है तो उसकी उसकी जो तैयारी होती है, उसकी जो प्रक्रिया होती है, वो तो पूर्व भवों से चालू हो जाती है। तो उन गुरुदेव कह रहे हैं कि क्या करें, हमारा उदय ऐसा है कि सत्य बात बाहर राख भी पड़े, मतलब मूक भी पड़े। एथी विरुद्ध श्रद्धा वाला ने दुख थाए तो मने माफ कर जो। अगर इससे तुमको दुख होता हो, तुम्हारी श्रद्धा विरुद्ध हो और इस सत्य बात रखने से अगर तुम्हें दुख होता हो कि भाई हमें माफ करना। इसमें गुरुदेव एक उदाहरण भी देते थे, पद्मनंदी पंचविंशतिका का उदाहरण देते थे ना, कि ब्रह्मचर्य का खूब वर्णन किया और फिर संबोधन किया गया, हे युवानो तुमको हमारी बात नहीं रुचे, हमको माफ करना, हमारे इससे दूसरी क्या आशा रखोगे। ऐसे गुरुदेव कह रहे कि भाई ये बात जो हम भगवान बनने की बात बता रहे हैं, ये जो सत्य मार्ग का प्रकाशन कर रहे हैं और तुम्हारा असत्य का आग्रह हो और तुम्हें दुख लगे, हमको माफ करना। भाई कोई जीव ने दुख थाए ते केम अनुमोदाए, किसी भी जीव को दुख हो कि उस जीव के दुख का हम अनुमोदन कैसे कर सकते हैं। हमारी तो भावना यह है कि सभी जीव भगवान है और भगवान रूप प्रणमन कर जाओ। कोई जीव अल्पज्ञ रहो, कोई जीव विकारी रहो, कोई जीव विपरीत दृष्टिवंत रहो, कोई जीव अधूरा रहो, कोई जीव संसार में भटकने वाला रहो, कि ऐसी हमारी भावना नहीं है, हम उसका अनुमोदन नहीं करते। वो भटके वो अलग बात है, लेकिन उसके भटकने में हमारा अनुमोदन नहीं है। हां देखो, मिथ्या सद्धाना चार गतिना बहु दुख बहु आकरा छे। मिथ्या श्रद्धा मैंने मिथ्या तो सबसे भयंकर पाप, इसको अपन यूं समझ सकते हैं कि पंचम काल के सभी जीवों का पाप, पंचम काल के जितने भी जीव होंगे उन सभी जीवों के पापों को, मैंने चारित्र वाले पाप, मैंने मिथ्या श्रद्धा वाली बात नहीं अभी, कि उन पाप को अपन इकट्ठा करें और तराजू के एक पलड़े में उन पाप को रखें और तराजू के दूसरे पलड़े में एक समय के मिथ्यात्व के पाप को रखें। मिथ्यात्व का पाप भयंकर है। देखो जो दूसरे पाप है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह या सप्त व्यसन आदि के पाप हैं, उसका फल क्या आएगा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा, ये तो भाई क्या आएगा, सातवां नरक, सातवां नरक आएगा, ज्यादा से ज्यादा आएगा ना, ये आएगा ना। सातवें नरक की आयु कितनी है, 33 सागर। वहां पर संगी पंचेंद्री पना चला गया, उसका चला गया,
कि है संगी पंचेंद्रियो, सातवें नरक का नारकी संगी पंचेंद्रिय है, वहां भी वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। नरक से निकलेगा, तिर्यंच होगा संगी पंचेंद्रिय, हालांकि क्रूर तिर्यंच होगा, सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। वापस नरक में जाएगा तो भी संगी पंचेंद्रिय बना रहेगा, लेकिन मिथ्यात्व के फल में जीव यदि एक बार निगोद चला गया तो आपको पता है मोक्ष महाप्रकाशक में क्या लिखा, वहां से निकलना कितना दुर्लभ है। ढाई पुद्गल परावर्तन काल तक निगोद से निकलने के दरवाजे बंद हो जाएंगे। अधिकतम काल ढाई पुद्गल परावर्तन, और ढाई पुद्गल परावर्तन का मतलब क्या, ये तो शास्त्रीय शब्द हुआ कि ढाई पुद्गल परावर्तन माने क्या, अपन समझते हैं ढाई पुद्गल परावर्तन में दो ढाई साल का काल होगा कि ऐसा नहीं है। एक पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में, सुन लेना अभी, कि एक पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत कल्प काल बीतते हैं। ये अनंत दो तरह के होते हैं, एक सक्षय अनंत और एक अक्षय अनंत, माने एक ऐसा अनंत है कि जिसका अंत आ जाता है लेकिन वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता, इस अपेक्षा से उसे अनंत बोलते हैं। और एक ऐसा अनंत है कि जिसका कभी अंत नहीं आता, वो होता है अक्षय अनंत। ये अक्षय अनंत की बात नहीं है, सक्षय अनंत की बात है कि एक पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत कल्प काल बीतते हैं, और एक कल्प काल का काल होता है 20 कोड़ा कोड़ी सागर। नरक की आयु कितनी, 33 सागर। और अनंतवें भाग में जो कल्प काल पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत कल्प काल जाते हैं उसका काल कितना है, 20 कोड़ा कोड़ी सागर। अब ऐसे ढाई पुद्गल परावर्तन का काल लगाओ, अब किसका किसका फल ज्यादा हुआ, मिथ्यात्व का फल ज्यादा हुआ कि सामान्य पाप का फल ज्यादा हुआ। हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा अपने जीवन में पाप छूटा, थोड़ा अपने जीवन में पुण्य का परिणाम आया, तो अपन लोग ये मानते कि हमने बहुत कर लिया। छिनवाणी कहती तुमने कुछ नहीं किया, पुण्य और पाप का ये चक्र ये तो निगोद दशा में भी चलता था, नित्य निगोद से। वो अभी जो उदाहरण अपन ने लिया कि 923 जो जीव नित्य निगोद से निकल करके गिजाई का भाव धारण करके भरत चक्रवर्ती का पुण्य हुआ पुत्र हुए, कि इस जाति के पुण्य तो निगोद दशा में जीव बांध लेता है, उसमें कोई अपूर्व उपलब्धि नहीं है। अपूर्व उपलब्धि है इस जीवन में मिथ्यात्व का नाश हो जाए, क्योंकि मिथ्यात्व का फल बहुत भयंकर है। और गुरुदेव श्री के प्रवचन के 45 साल के प्रवचन में कोई सा प्रवचन निकाल के देख लेना, 9000 कुछ प्रवचन है ना अपने उपलब्ध अभी ऑडियो सीडी में, कोई सा प्रवचन उठा के देख लेना, कोई सा प्रवचन सुन लेना, हर प्रवचन में गुरुदेव ने मिथ्यात्व के त्याग पर, मिथ्यात्व परिणाम पर, मिथ्यात्व के महापाप पर उन्होंने चोट की है। क्योंकि जगत में दूसरे पाप से बचाने वाले तो अपने को बहुत मिल जाएंगे, अपन लोग भी थोड़े पाप में अपने परिणाम ज्यादा जाएंगे, अपन भी कहेंगे अरे कैसा हमारा जीवन पूरा पाप में जा रहा है, अपन लोगों को भी वो अंदर से पाप खटकेगा, दूसरे लोग भी अपने को देख करके ये कहेंगे क्या 24 घंटे व्यापार धंधा खाना पीना कमाना पांच इंद्रिय के विषय वो इनमें पड़े रहते हो, तुमको मंदिर में फुर्सत नहीं, स्वाध्याय में फुर्सत नहीं, तो ये अपने को दूसरे लोग भी टोंक देंगे। और दूसरी बात, जगत में धर्म के नाम पर जितने मत और दर्शन चलते हैं, भले वो धर्म नहीं है लेकिन जितने मत और दर्शन चलते हैं, पाप से छुड़ाकर पुण्य में लाने तक की बात तो वे लोग भी करते हैं, फिर हमारे में उनमें क्या अंतर रहा, है ना। इसलिए जैन दर्शन मिथ्यात्व के त्याग की बात करता है, सबसे पहले मिथ्यात्व का त्याग हो, और वो मिथ्या, इसलिए गुरुदेव यहां पर कहते हैं कि भाई चार गति के दुख बहुत आकर बहु आकरा छे, बहुत कठिन दुख आएगा इसका, बहुत भयंकर दुख आएगा। ए दुखनी अनुमोदना केम थाय, अरे कोई जीव निगोद जाए, वो से लोग बोल देते ना ठीक है हम तो चले जाएंगे निगोद, आपका क्या जा रहा है। बापू निगोद का मतलब सिर्फ समझ में आएगा ना तब बोलना ये बात, हम तो निगोद चले जाएंगे आपका क्या बिगड़ता है, ये तब बोलना कि निगोद माने होता क्या है ऐसा। तो केम अनुमोद आए, अरे दरेक जीवो भगवान स्वरूप छे, देखो तो ज्ञानी अपने को भगवान स्वरूप देखता है,
अपने को पर्याय की नजर से नहीं देखता। क्या उनको अपनी पर्याय दिखाई नहीं देती, अपनी खुद की पर्याय दृष्टि छूट गई है तो जगत के सारे जीव उन्हें कैसे दिखाई देते? सभी जीव भगवान दिखाई देते हैं। किसी की पर्याय में पामरता हो, किसी की पर्याय में विकृति हो, किसी की पर्याय में अल्पज्ञता हो, उसका ज्ञान होता है कि ये जीव वर्तमान में विकारी पर्याय रूप से परिणम रहे। क्योंकि अगर उस विकारी पर्याय का ज्ञान नहीं होता तो गुरुदेव की देशना जगत के लिए क्यों खिरती? भाई उन्होंने दिव्य अपनी जो वाणी खिराई, उनकी जो वाणी खिरी, उनकी जो वाणी आई, तो वो किस लिए आई? कि जगत के जीवों की पर्याय का ज्ञान है, क्या जगत के जीवों की पर्याय में विकृति है, इसलिए उसका ज्ञान तो होता है ज्ञानी को, और ज्ञान होता है तभी उस विकृति के अभाव कराने के लिए ज्ञानी की वाणी खिरती है। लेकिन पर्याय की विकृति से स्वभाव विकृत हो गया, पर्याय की विकृति को स्वभाव की विकृति मानना, ऐसी पर्याय बुद्धि किसी ज्ञानी को नहीं होती। पर्याय का ज्ञान होता है लेकिन पर्याय की बुद्धि नहीं होती। पर्याय का ज्ञान और पर्याय की बुद्धि जमीन आसमान का अंतर है। ये यहां पे कह रहे हैं कि बधा जीवो भगवान स्वरूप छे ने तेओ पूर्णानंद रूपे परिणमी ने भगवान थाओ। ये ज्ञानी की भावना होती है। इसमें गुरुदेव वो द्रव्य संग्रह का एक अवाय विचय नाम का एक धर्म ध्यान का बोल है, तो गुरुदेव के प्रवचन में जब भी बात आती है तो वो बात आती है कि ज्ञानी क्या भावना बातें, कि हम तो आठ कर्म का अभाव करके सिद्धालय में जाकर के सिद्ध दशा को प्राप्त करेंगे ही करेंगे, लेकिन जगत के सभी जीव परमानंद दशा को प्राप्त हो जाओ, ऐसा ज्ञानी को धर्म ध्यान की विकल्प की भूमिका में ऐसा परिणाम आता है। ये सभी मतलब ज्ञानी के जीवन की एक अंतरंग विशेषता होती है। फिर क्या कहते हैं, कोई दुखी न रहो, है ना, हम दुखी अनुभव। ये गुरुदेव का एक वाक्य है, बहुत करुणा भरा वाक्य है और बहुत मतलब प्रेरणा देने वाला ये वाक्य है। अब इसके बाद अपन बोल से शुरू करते हैं। ये भी ले कि आत्मार्थी जीव की पात्रता भी लेते हैं, ये भी बहुत अच्छा बोल है। ये गुरुदेव का एक निश्चय की उपासना वाले जीव की व्यवहार शुद्धि किस प्रकार की होती है, इस पर गुरुदेव ने बहुत वजन देकर के ये बात कही। ये अपना आगे है, आत्मार्थिनी पात्रता, इसी में आगे है, पेज नंबर नहीं डला है इसमें, हाँ ऐसे ही है, मिल गया ना। हाँ देखो कि निश्चय ना उपासक जीवनी व्यवहार शुद्धि केवी होए ते बाबत मां पूज्य गुरुदेव श्री गुरुदेवे एक वक्त खास भार पूर्वक समझायु होतु। अब क्या कहा था गुरुदेव ने वो देखो कि जे जीव निश्चय नी उपासना करवा कटिबद्ध थयो छे। कटिबद्ध का मतलब होता है कमर कस के तैयार होना। प्रवचन सार में है ना अस्सी गाथा, मैंने मोह की सेना को जीतने के लिए कमर कसी है, माना मैं एकदम तैयार हूं ऐसा। तो इसी तरह जो निश्चय की साधना माने निश्चय स्वरूप की साधना करने के लिए जो जीव कटिबद्ध हुआ, कमर कस के तैयार हुआ, पुरुषार्थवंत हुआ, कि उसकी परिणति में परिणति मां पहला कर्ता वैराग्यनी घनी वृद्धि थती जाय छे। क्यों घनी वृद्धि? वैराग्य में वृद्धि का मतलब क्या होता है कि देखो पर द्रव्य के प्रति उदासीनता और स्वभाव के प्रति सन्मुखता। अभी स्वभाव के सन्मुख परिणति हुई नहीं है लेकिन स्वभाव के सन्मुख होने की दिशा में परिणति बढ़ रही है। तो क्या होगा कि जितना जैसा पहले निश्चय की उपासना के पहले निश्चय की उपासना करने के लिए कटिबद्ध नहीं हुआ था उससे पहले जितना परद्रव्यों का उसको रस था वो रस उसका शिथिल होता है। अभी परिणमन नहीं हुआ है लेकिन परिणमन के पहले भी एक ऐसी दशा आती है, जैसे होता है ना कि भाई समुद्र के किनारे जाएंगे जब तो शीतल हवा आएगी आएगी, लेकिन समुद्र का किनारा अपने को दिखाई नहीं दिया अभी, लेकिन समुद्र पास में है तो क्या उसकी पहचान क्या है
कि ठंडी हवा का झोंका तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और ठंडी हवा का झोंका नहीं आवे, गरम गरम लू के थपेड़े चल रहे हों, तो अपन कैसे मान लें कि पास में समुद्र है? तो इसी तरह जो निश्चय की उपासना के लिए तैयार हुआ, स्वभाव की उपासना के लिए तैयार हुआ, जिसको पूरे स्वभाव को पकड़ना है, जिसको सारे विश्व के प्रति एक झटके में ममत्व तोड़ना है, ममत्व टूटेगा पहले, है ना, तो जिसको सारे विश्व के प्रति एक साथ ममत्व तोड़ना है, तो क्या उसको विश्व के समस्त परद्रव्यों के प्रति ममत्व तोड़ने के लिए जो प्रतिकटिबद्ध हुआ है, स्वभाव की साधना कहो अस्थि से, निश्चय स्वभाव की साधना कहो अस्थि से, और नास्ति से कहेंगे तो सारे विश्व के प्रति ममत्व तोड़ने के लिए कटिबद्ध हुआ, तो क्या उसको उसका पर द्रव्य के प्रति रस शिथिल नहीं होगा? क्या उसको स्वभाव की महिमा विशेष विशेष नहीं आएगी? और अगर स्वभाव की महिमा विशेष विशेष नहीं आवे तो पर द्रव्य के प्रति उसका रस टूट नहीं सकता। हम शुरुआत उल्टी करते हैं, हम शुरुआत क्या करते हैं, हम शुरुआत ये करते हैं कि परद्रव्य के प्रति रस तोड़ो, परद्रव्य के प्रति रस तोड़ो। भाई रस तोड़ना ये मार्ग नहीं है, स्वभाव में रस जोड़ो। अपने रस को कहां जोड़ो? कि स्वभाव की तरफ अपने लक्ष्य को उन्मुख करो तो परद्रव्य के प्रति लक्ष्य टूटेगा। स्वभाव में जुड़ेगा तो पर से छूटेगा। हम शुरुआत करते हैं कि इसको छोड़ो, ये शुरुआत नहीं है सही। स्वभाव की ओर अपनी दृष्टि को जोड़ो तो पर का लक्ष्य छूटेगा। तो यहां गुरुदेव फरमा रहे हैं कि घनी वृद्धि थती जाए छे वैराग्य ने। वैराग्य का मतलब ये कि पर से उदासीनता का नाम वैराग्य है, है ना, इसका नाम। हाँ, तेने दोषों नो भय थाय छे। भय भय होए माने कोई भी अपनी पर्याय में दोष हो, राग का दोष हो, द्वेष का दोष हो, मिथ्यात्व का दोष हो, तो एक समय के दोष में कितना भव खड़ा है। एक दोष तो एक समय का है, नहीं, एक समय के दोष में कितने भव खड़े हो जाएंगे उसको भव दिखता है। एक समय के परिणाम में अनंत भव की श्रृंखला दिखती है कि गलती एक समय की है ना। किसी ने क्या किया तो गुस्से में आकर के किसी ने पिस्तौल चला दी किसी के ऊपर, वो मर गया, तो ये काम कितने टाइम में हुआ? एक सेकंड। लेकिन उस एक सेकंड के तेरे उद्वेग का परिणाम क्या आया? लोक की उदाहरण अपन दे रहे, लोक के उदाहरण में कि एक समय का तेरा उद्वेग, उसके परिणाम में आजीवन कारावास, मैंने 14 साल का सश्रम कारावास। ये तो लोक की नीति है, तो लोकोत्तर नीति क्या होगी? कि एक समय का परिणाम में दोष हुआ, कि उस एक समय के दोष के पीछे अनंत भव की श्रृंखला खड़ी है। इसलिए एक समय के दोष का भी ज्ञानी को भय होता है, मेरी परिणति निर्दोष हो, मेरी परिणति स्वभाव का अनुसरण करने वाली हो, स्वभाव निर्दोष है, उसका अनुसरण करने वाली परिणति निर्दोष हो, ऐसी उसकी भावना होती है। फिर क्या कहा कि अकसाय स्वभाव ने साधवा तैयार थे। स्वभाव कैसा है कि स्वभाव तो कसाय रही थे, स्वभाव में तो कसाय है नहीं, तो ऐसे अकसाय स्वभाव को साधने के लिए तैयार हुआ। त्या तेने कसाय शांत थवा मांडे, कसाय शांत होने लगती है। देखो, स्वभाव की साधना करने वाले जीव का अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, भले ही अभी सम्यक दर्शन होने में टाइम है, लेकिन स्वभाव की साधना के लिए तत्पर जीव का पुण्य, कसाई की मंदता, वो कोई विशिष्ट प्रकार की होती है। अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ भले ही, लेकिन स्वभाव की साधना के लिए तत्पर हो गया तो उसको लोक मतलब एक अलौकिक पुण्य बनता है उसको। ऐसा पुण्य, कोई पुण्य का लोभ नहीं है, लेकिन सहज रूप से उसको ऐसा पुण्य बनता है। मैंने उसकी कसाय अलग प्रकार की मंदता लेती है, उसकी कसाय में विशिष्ट प्रकार की कसाय की मंदता होती है। अपन लोग जो कसाय की मंदता, सामान्य कसाय की मंदता जो दुनियादारी की होती है, भगवान की पूजा भक्ति वगैरह में, व्रत उपास वगैरह में, है ना, ये इनमें, इन सबकी अपेक्षा से तीन तरह के पुण्य की चर्चा संग्रह में की राजमल जी सामने। एक होता है जघन्य पुण्य, एक होता है मध्यम पुण्य, और एक होता है उत्कृष्ट पुण्य। पुण्य की अपेक्षा से उत्कृष्ट मध्यम जघन्य के भेद है, वो पुण्य धरा में यह सिद्ध नहीं करना है वहां पे। तो उन्होंने कहा कि जघन्य पुण्य क्या, कि जिसमें उपयोग की चंचलता अधिक है। भगवान की अपन पूजा कर रहे हैं,
यात्रा कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, उपयोग की चंचलता ज्यादा है। कसाई की मंदता तो है लेकिन उपयोग की चंचलता ज्यादा, अभी ये द्रव्य चढ़ाना, अभी ये द्रव्य चढ़ाना, अभी ये द्रव्य चढ़ाना, अभी ये द्रव्य चढ़ाना, तो उससे ज्यादा उपयोग की स्थिरता किसमें होती है, मंदता, मंदता में। तो उन्होंने कहा कि कर्णान योग के शास्त्रों में अपने उपयोग को लगाना, उसमें मध्यम पुण्य का बंध होता है। कि उससे ज्यादा उत्कृष्ट, उससे ज्यादा पुण्य किसमें बनता है, कि द्रव्यान योग के शास्त्रों में अथवा द्रव्यान योग के विषयभूत भगवान आत्मा में अपने उपयोग को लगाना। लगाना मतलब अपने उपयोग को उसके सन्मुख करने का प्रयास करना। तो उस प्रयास करने में ऐसा पुण्य बंधता है कि जैसा पुण्य जगत के किसी कार्य के करने में नहीं बनता। अगर पुण्य की भी बात करें तो कहते हैं कि उसकी कसाय इतनी शांत होने लगती है। अभी कसाय अभाव नहीं हुआ है लेकिन कसाय की एक जाति बदल गई। कसाय की मंदता तो है लेकिन मंदता का प्रकार भी कोई विशिष्ट प्रकार का है। एक तेनी कोई प्रवृत्ति के आचरण एवा न होए के रागादीनो पोषण करे। क्यों रागादि का पोषण करने वाला आचरण क्यों नहीं होता, क्योंकि जिसका तुम अभाव करना चाहते हो, जिस राग का अभाव करने के लिए तुम स्वरूप की साधना करने के लिए आए हो, तो क्या स्वरूप की साधना करने वाला कभी राग का पोषण करेगा? क्यों? क्योंकि स्वभाव तो राग रहित है, स्वभाव तो राग रहित है। अब राग रहित स्वभाव का, राग रहित स्वभाव का पोषण राग का पोषण करने से होगा या राग का निषेध करने से होगा, यह नक्की करना अपने को। लोक में भी होता है, मैंने एक उदाहरण दिया था अभी परसों। तो अपने घर में, अपना मान लो अपने घर में अपने देश का प्रधानमंत्री आ रहा, ठीक है, अब प्रधानमंत्री आ रहा है तो किस पार्टी का अपने को पता ही। तो अपन ने उसको बुलाया अपने घर पे, कहा आप हमारे घर पे भोजन करेंगे, आप हमारे घर पे आए। तो अपन पूरी अपने घर को बहुत अच्छी तरह से अपन ने सजाया, तो जो कुछ भी जितनी व्यवस्था अपन लोग कर सकते बढ़िया से बढ़िया अपन ने व्यवस्था की, और झंडा किसका लगाया, कांग्रेस पार्टी का। और एक नहीं, 10-5 झंडे कांग्रेस पार्टी के लगा रखे, उसकी पार्टी का एक भी झंडा नहीं है। तो उस प्रधानमंत्री का हमने आदर किया या अनादर किया? सीधी सी बात है कि इसी तरह हम राग रहित स्वभाव की साधना करना चाह रहे हैं, और राग रहित स्वभाव की साधना के लिए पोषण किसका कर रहे हैं, झंडा किसका खड़ा कर रहे हैं, झंडा राग का खड़ा कर रहे हैं। कब राग रहित स्वभाव की साधना कर रहे हैं क्या, स्वभाव की विराधना कर रहे हैं। इसलिए यहां पे कहते हैं कि भाई रागादि का पोषण करे, ऐसा कोई आचरण उसका नहीं होता। पहला मतलब जब वो स्वरूप की साधना करने के लिए तैयार नहीं हुआ था, तब रागादीनी मंदता हती तेने बदले हवे रागादीनी तीव्रता थाय तो ते स्वभाव ने साधवानी नजीक आव्यो एम कई रीते कहवाए। कि जब स्वभाव की साधना नहीं करता, नहीं कर रहा था, तब तो कसाय की मंदता थी। माने होती है ना, स्वभाव की साधना नहीं करने वाले बहुत से लोग भी कसाय की मंदता तो करते। अरे अन्य मति के साधु बाबा लोग 12वें स्वर्ग तक चले जाते हैं, तो कसाय की मंदता की कोई कीमत थोड़ी। लेकिन कीमत किस बात की है, कि उस समय तो तुम कसाय की मंदता थी, और अपने को आत्म स्वभाव का साधक कहता है, आत्म स्वभाव की साधना करने के लिए कटिबद्ध हुआ हूं ऐसा कहता है, और कसाय की तीव्रता हो जाए तो ये संभव नहीं है। कसाय की तीव्रता थाय तो ते स्वभाव साधवामा नजीक आयो एम केवी रीते कहवाए। स्वभाव साधना की तो बात ही नहीं, लेकिन वो स्वभाव को साधने के निकट भी आया है, ये हम कैसे कहें, यह है बात ना। क्योंकि वो तो स्वभाव, स्वभाव का विरुद्ध भाव है ना राग तो। अरे जब मंद कसाय का परिणाम भी स्वभाव का विरुद्ध भाव है, तो तीव्र कसाय का परिणाम क्या होगा? जो जिनवाणी मंद कसाय को भी अधर्म घोषित करती हो, जो जिनवाणी पर जीव को, आज गुरुदेव के प्रवचन में था कि पर जीव को बचाने का भाव भी मंद कसाय है, और वास्तव में वो भी स्वरूप की हिंसा है। तो जो जीव, जो मैंने जो जिनवाणी जीव पर जीव को बचाने के भाव को भी हिंसा घोषित करती हो,
क्या पर जीव के मारने के भाव को अहिंसा कहेगी वो जिनवाणी? क्या तो कि तेरे को स्वभाव की साधना नहीं करता था तब तेरे को कसाई की मंदता थी, और तू स्वभाव का साधक हुआ तेरी कसाई बढ़ गई। तो गुरुदेव कहते हैं कि हम ये मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि तू स्वभाव की साधना के निकट भी आया है। साधना की बात तो दूर, स्वभाव की साधना के निकट आया है ऐसा भी कैसे कहें? ये एक बहुत पात्रता के ऊपर उन्होंने डाला है भजन। फिर कहा, एकलु ज्ञान ज्ञान क्रिया करे, पण ज्ञाननी साथे रागनी मंदता होवी जोइए, धर्मात्मा प्रते विनय बहुमान भक्ति नम्रता नरमास होवा जोइए, बीजा साधर्मियों प्रते अंतर में अंतरमा वात्सल्य होवु जोइए, वैराग्य होवु जोइए, शास्त्राभ्यास वगैरह नो प्रयत्न होवु जोइए। ये मंदता के प्रकार, कि स्वरूप की साधना वाले जीव की मंदता के प्रकार कैसे होते हैं? कि उसे धर्मात्मा के प्रति विनय और बहुमान और भक्ति का भाव आता है, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण गुरुदेव श्री हैं। कि एक भी प्रवचन गुरुदेव श्री का कोई बता दे कि जिसमें गुरुदेव श्री ये नहीं बोलते हों कहा दिगंबर संतों की वाणी कमाल किया है, जिनेंद्र परमात्मा ने कमाल किया है, हम तो उनके दासानुदास हैं। मैंने एक एक प्रवचन में उनको साधर्मी धर्मात्मा या देव शास्त्र गुरु के प्रति कैसी भक्ति उछलती है। क्यों उछलती है? क्योंकि उनसे हमको मार्ग मिला, वह मार्ग में हमारे लिए निमित्त कारण हुए। गुरुदेव बोलते ना, कुंद कुंद आचार्य का हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार है। क्यों? समयसार से जीवन बदला, समयसार से उनका जीवन बदला, तो समयसार के प्रति जितना बहुमान था, समयसार के रचने वाले कुंदकुंद आचार्य के प्रति उतना बहुमान आया कि नहीं आया? आया। वो तो ज्ञानी थे, ज्ञानी होने के पहले भी समयसार पढ़ते ही अशरीरी होने का शास्त्र है, कितना बहुमान आया। जब ये उद्गार निकले होंगे, अपन कल्पना कर सकते हैं उसकी, कि जब ये उद्गार गुरुदेव के मुख से विक्रम संवत 1978 में निकले होंगे, उस जिनवाणी के प्रति उनको कितना बहुमान आया होगा। क्यों ये बात किस लिए कह रहे हैं? कि देखो श्वेतांबर, जितना श्वेतांबर मान्य आगम है, गुरुदेव ने सारे आगम का अभ्यास किया था, 45 सूत्र हो कि 32 सूत्र हो, सारे शास्त्रों का उनका अभ्यास किया था। अरे ऐसा अभ्यास नहीं, गहरा अभ्यास किया था। भगवती सूत्र 17 बार पढ़ा, ऐसी थोड़ी पढ़ लिया। लेकिन उनमें से एक भी जिनवाणी के प्रति कभी यह नहीं कहा कि यह अशरीरी होने का शास्त्र है। कहा हो तो बताओ, उल्लेख हो कोई? कभी नहीं कहा। बल्कि यह कहा कि मैं तो इनको जैसे जैसे पढ़ता हूं ना, मेरी शंकाएं और बढ़ती है ना। और वो पात्रता, पिछले भव के संस्कार की पात्रता कैसे खिली? कि समय सार हाथ में आया, तो कोई पूरा समय सार तो नहीं पढ़ लिया था? हाथ में आते ही पूरा समय सार तो नहीं पढ़ लिया है? और जिस सेठ ने उनको समय सार ला करके दिया, वो दामोदर सेठ, अंत तक गुरुदेव कहते रहे घनी विपरीत दृष्टि थी, बोलते थे ना, बहुत विरुद्ध दृष्टि थी, अभिमानी, ऐसा बोलते थे गुरुदेव। तो वो कुछ पन्ने पलट करके जब उनके अंदर से ये उद्गार निकले होंगे कि आ तो अशरीरी थवानो शास्त्र छे, आज के जमाने में नहीं, उस समय की कल्पना करें हम, विक्रम संवत 1978, लगभग 100 साल हो गए, लगभग अभी मेरे ख्याल से 75-76 जो भी चल रहा होगा, लेकिन लगभग 98-100 साल गुरुदेव को समयसार मिले हुए हो गए। तो उस जमाने की कल्पना करें कि जहां पर नाम मात्र का कोई दिगंबर जैन नहीं था, श्वेतांबर बाहुल्य बस्ती थी, और उसमें यह घोषणा करना का अशरीरी होने का शास्त्र है, उस शास्त्र के प्रति अंदर से कितना बहुमान आया होगा, कुंदकुंद आचार्य के प्रति कितना अंदर से बहुमान आया होगा, तब ये उद्गार निकले कि ये ज्ञानी। अभी तो स्वरूप की साधना ही हुई ना, सम्यक तो बाद में हुआ उनको, अभी तो बस जो चाह रहा था, मैं जो चाहता हूं वो इसमें है, अभी इतना पता लगा है कि मैं जो चाह रहा हूं वो इसमें है, बस बहुमान का ठिकाना नहीं। तो ये कह रहे हैं कि भगवान के प्रति धर्मात्मा के प्रति विनय बहुमान भक्ति नम्रता नरमाश होवा जोइए, बीजा साधर्मियों प्रत्ये अंतर्मा वात्सल्य होवु जोइए। क्यों? क्योंकि अरे जिस मोक्ष मार्ग की साधना के लिए मैं तैयार हुआ हूं, इसी मोक्ष मार्ग की साधना
ये साधर्मी कर रहा है उसके प्रति भी बहुमान आता है। वैराग्य ओव जोइए, राग से हटी हुई परिणति, शास्त्राभ्यास वगैरह नो प्रयत्न होव जोइए। गुरुदेव बोलते थे 4-6 घंटे आत्मार्थी को स्वाध्याय करना चाहिए। दही श्री के वचनामत में आया स्वाध्याय यह तो आत्मार्थी का खुराक है। भोजन के बिना कितने दिन चले अपने को, भोजन के बिना छोड़ो 11 बजे अपने भोजन करने का टाइम और 12 बजे तक 12:30 बजे तक मान लो अपने को भोजन नहीं मिले तो कितनी आकुलता। जो भी अपना टाइम है XYZ कोई भी टाइम लगा लो, कितनी आकुलता, क्यों नहीं बना, अभी इतना लेट कैसे हो गया, ऐसा कैसे कर दिया, कितनी आकुलता होती है। क्या आज हमारी स्वाध्याय नहीं हुई, आज हमने जिनवाणी का पन्ना नहीं खोला, आज हमने 1 घंटे CD नहीं सुनी, क्या इसके लिए कभी हमें अकुलाहट होती हुई है, होती है, नहीं होती है तो हम किस दिशा में जा रहे हैं। गुरुदेव बोलते थे 4-6 घंटे स्वाध्याय चाहिए। हम कहते 4-6 घंटे का जितना अपने पास टाइम है, अपन एक नियम बना करके अपन करते हैं तो हम समझ लें कि हम स्वरूप की साधना की समीप जा रहे हैं। ये गुरुदेव ने इसलिए अपने को कहा शास्त्र स्वाध्याय वगैरह का। गुरुदेव कभी भी कुछ करने की बात करते थे ना तो वो कहते थे स्वाध्याय करो, क्यों, वो कुछ नहीं कहते थे, वो कहते यात्रा करो, कभी नहीं कहा तुम इतने उपवास कर लो, कभी नहीं कहा, बल्कि वो बल्लू भाई के पीछे तो पड़े रहते थे। हाँ वर्षी तब करे हो तो बल्लू भाई लांगन करे आता लांगन ऐसा कहे वो, मतलब क्यों, क्योंकि जीव को उसमें कर्ता बुद्धि का अहंकार पुष्ट हो जाता है और गुरु कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मेरा शिष्य जो अपन मुझे गुरु मानता है, जो मुझे बड़ा मानता है, वो गलत मार्ग पर चला जाए। कोई किसी को कोई द्वेष बुद्धि से ठपका नहीं देते थे, वो करुणा थी अंदर में, तो कहते आठ लंघन कर आता, कभी नहीं कहते थे। अगर कुछ करने की बात कहते थे तो क्या बोलते थे, स्वाध्याय करो, करना है स्वाध्याय करो, 4-6 घंटे स्वाध्याय करो। एम चारों ओर ना बदा पड़खा माथी, पात्रता केलवी जोइए, तोज यथार्थ पर्ण में, चारों पड़खे से मैंने भक्ति का प्रसंग आवे तो वीतरागी देवसास गुरु के प्रति अद्भुत भक्ति है ना, वैराग्य का प्रकरण आवे तो वैराग्य मतलब वैराग्य का रस हो, जिनवाणी का रस हो, ये सब हो, कि इस तरह चारों ओर से पात्रता को विस्तृत करना चाहिए। खरेखर साक्षात समागमनी बलिहारी छे, साक्षात समागम मिले उसकी तो बलिहारी है। सतसंगमा अने संत धर्मात्मानी छत्र छायामा रहीने तेम ना पवित्र जीवन ने नजर समक्ष ध्येय रूप राखी ने चारे पड़खे थे पड़खेती सर्व प्रकारे उद्यम करीने पोतानी पात्रता ने पुष्ट करवी जोइए। ये क्यों लिखा, ये क्या लिखा, बहुत बढ़िया, कि साक्षात समागम की बली आ रही है, मतलब क्या कि सत्संग में और संत धर्मात्मा की छत्र छाया में, दो बातें, या अगर अपने को संत धर्मात्मा मिले, ज्ञानी धर्मात्मा मिले, तो उनकी छत्र छाया में रह करके अपनी पात्रता को पुष्ट करना। कैसे पुष्ट करना, कि उनके जीवन को देख देख कर। इसलिए श्रीमद जी ने प्रत्यक्ष सदगुरु सम नहीं परोक्ष जिन उपकार एवो लक्ष्य थया बिना उगेन आत्म विचार, कितना गजब का वाक्य बोला है। क्या कहा कि प्रत्यक्ष सदगुरु सम नहीं, कि सदगुरु है ना भगवान जिनेंद्र, वो वर्तमान में हमको साक्षात नहीं है, इसलिए उनका उपकार परोक्ष है, लेकिन सदगुरु जो जो ज्ञानी धर्मात्मा है, जो सम्य दृष्टि जीव है, जो ज्ञानी धर्मात्मा है, जो अपने को मिले, तो उनका अपने पर साक्षात उपकार है। तो प्रत्यक्ष सदगुरु सम नहीं परोक्ष जिन उपकार, और एवो लक्ष्य थया बिना, कि प्रत्यक्ष धर्मात्मा की उपेक्षा करके परोक्ष धर्मात्मा की अपेक्षा रखने वाला उसके जीवन में तो अभी आत्म विचार भी उदित नहीं हुआ है। उगेन आत्म विचार, इतना वजन
उन्होंने प्रत्यक्ष स्थापित दिया। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष धर्मात्मा का जीवन, उनकी परिणति, उनका अंतर्वाह्य वर्तन, उनकी वाणी, उसको अपन समझ सकते हैं। अब जो परोक्ष हो गए, जो अपने सामने नजरों के सामने नहीं है, उनका जीवन हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते। ये बात श्रीमद् जी ने कही वो सो बात नहीं, ये बात नियम सार की 23 नंबर की गाथा में आती है, 53 नंबर की गाथा में, पूरा करता हूं कि 53 नंबर की गाथा में आती है। वहां पे कहा कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा जिन सूत्र, दो है ना, तो उन्होंने कहा कि जिन सूत्र सम्यक तो का बहिरंग निमित्त है एक, और जिन सूत्र के ज्ञाता पुरुष सम्यक तो का अंतरंग निमित्त है। हालांकि है तो दोनों निमित्त, लेकिन जिन सूत्र से भी ज्यादा महत्व आचार्य कुंद कुंद और उनके टीकाकार मुनिराज पद्म परम बलधारी देव ने उस श्रुत के ज्ञाता पुरुष को दिया है। क्यों दिया है? तो उन्होंने लिखा क्योंकि उनके दर्शन मोह के छयाधिक हुए हैं। ज्ञानी धर्मात्मा के लिए यह बात है कि वो उस जिन सूत्र से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम अब अभी लोगों की क्या आदत होगी, गुरुदेव ने तो कहा लेकिन शास्त्र में कहां है? गुरुदेव ने कहा उसके बाद भी तुम्हें शास्त्र का प्रमाण चाहिए, माने जीवंत जिन शासन तुमको जो कह रहा है वो तुम्हें नहीं चाहिए, और शास्त्र के पन्ने जो कह रहे हैं वो तुम्हें चाहिए। अरे भाई, शास्त्र में मार्ग कहा है, मर्म नहीं कहा है, मर्म ज्ञानी के अंतर में रहा है। कृपालु देव का वाक्य है ना, शास्त्र में मार्ग कहा लेकिन मर्म नहीं, उसमें मर्म क्या है? वाक्य है वो, तो शास्त्र में वाक्य लिखा लेकिन उस वाक्य का मर्म क्या है? कि उस वाक्य का मर्म वो ज्ञानी के अंतर में रहा है। इसलिए शास्त्र से भी ज्यादा महत्व उस ज्ञानी धर्मात्मा को दिया नियम सार में। श्रीमद जी के वचनों में तो जगह जगह आता है सजीवन मूर्ति ज्ञानी धर्मात्मा। क्यों? क्यों उनका जीवन हम लोग देख सकते हैं। और क्या होता है कि थ्योरिकल बात की अपेक्षा प्रैक्टिकल बात का ज्यादा असर होता है। शास्त्र में थ्योरिकल बात कही, मतलब शास्त्र में बात कही है लेकिन जो बात कही है उसका प्रैक्टिकल हमें ज्ञानी के जीवन में दिखाई देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो देख देख करके हम ज्यादा सीखते हैं, इसलिए वो बात कही है। ये बात पूरी हुई कि चारों पड़खे थी सर प्रकार उद्यम करीने अपनी पात्रता पुष्ट करवी जोइए। खरेखर आपना सद्भाग्य छे कि सर्व पड़खे थी पात्रता केलवी ने आत्मानी उपासना कई रीते करवी ते पूज्य गुरुदेव जेवा संतो साक्षात पणे हमेशा समझावी ने तेओ श्री आपना जीवन नो घड़तर करी गया छे। गुरुदेव श्री नो आ अमाप उपकार संबंध मा काई पण कहवा जाता वाणी अटकी जाय छे तेओ श्रीनी गैर हाजरी। ये तो बात पूरी हो गई। पूज्य गुरुदेव श्रीए बतावेला मार्गे चाली ने तेओ श्रीना उपकार ने अति शीघ्रता ते सार्थक करिए एज भावना। ये बात यहां पर अपनी हुई, ठीक है ना? बाकी इसका फिर अपन कल और देखेंगे।